कंप्यूटर के बारे में क्या आपको ये फैक्ट्स पता है? नहीं तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि आपको पता है कि पहला वायरस एक्चुअली कहाँ से आया था और क्यों आया था और उसकी कहानी क्या थी। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम था क्रीपर और ये 1971 में पहली दफ़ा एमर्ज हुआ था और जो क्रिएटर थे उन्होंने की नेगेटिव इंटेंशन से इसको नहीं बनाया था। ये मेनली सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि देखा जाए कि क्या कोई ऐसा प्रोग्राम हो सकता है कि कंप्यूटर के डेटा को स्टील करे या डिस्ट्रॉय करे, अगर हो सकता है तो वो किस तरह काम कर सकता है। उन्होंने इनका नाम क्रीपर रखा था इस वायरस का नाम, और जब अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया तो इसने मैसेज शो किया, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, कि मेरा नाम क्रीपर है, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। फिर आगे जब इसके बिहेवियर को एनालाइज किया गया तो क्रिएटर्स खुद भी हैरान रह गए कि इस वायरस ने अपने आप को इतनी दफ़ा रेप्लिकेट किया कि जो कंप्यूटर है वो डिस्क स्टोरेज उसकी ख़त्म हो गई, और जब जाहिर बात है डिस्क स्टोरेज ख़त्म हो जाएगी तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएगा और वायरस कोई भी डेटा स्टील कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यही मेन प्रिंसिपल है आज भी किसी भी वायरस का। वायरसेस की बहुत सारे टाइप्स होती हैं, लेकिन वो वायरस जो कि किसी का डेटा चोरी करने के लिए, जिसको हम मालवेयर कहते हैं, वो एक्चुअली ये करता है कि अपने आप को इतनी दफ़ा रिपीट करता है कि आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज ख़त्म हो जाए, और जब कंप्यूटर की स्टोरेज ख़त्म हो जाएगी तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, आउट ऑफ स्टोरेज हो जाएगा और वो कोई भी अपना काम मालवेयर या जो हैकर है वो कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट में देखें तो अगर आपका ईमेल अकाउंट हैक हो गया तो हैकर्स क्या करते हैं, इतनी दफ़ा बल्क ईमेल सेंड करते हैं कि जो आपका मेल सर्वर है वो आउट ऑफ स्टोरेज हो जाए। यानी कि अगर आप गूगल मेल का कोई अकाउंट है तो वो आउट ऑफ स्टोरेज हो जाए, और अगर वो आउट ऑफ स्टोरेज हो जाता है तो उसके लिए आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटर्स, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स में भी सबसे ज़्यादा जो तेज कंप्यूटर है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है, वो कौन सा है? उसका नाम है फुजाकू और ये जापान में है। अब मैं आपको इसकी डायरेक्ट नंबर्स भी बताता हूँ और आपको कंपेयर करके भी बताता हूँ कि एक नॉर्मल कंप्यूटर और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी जो प्राइस है वो $1 बिलियन है, और अगर मैं इसके कोर्स की बात करूँ तो इसके अंदर 7.6 मिलियन के इर्द कोर्स है, इससे भी ज़्यादा है, 7.6 मिलियन से भी ज़्यादा कोर्स है। अगर मैं एक आम से कंप्यूटर की बात करूँ तो आज तक मैक्सिमम पर्सनल कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा कोर वाला जो कंप्यूटर जो प्रोसेसर यूज़ होता है उसके अंदर भी 64 कोर्स होते हैं मैक्सिमम, और वो थ्रेड रिपर है उसका नाम। आप इस कंप्यूटर में और अगर उस कंप्यूटर में फ़र्क देखें तो कई मिलियंस का डिफरेंस है प्राइस में भी और परफॉर्मेंस में भी। अगर आप इसकी AI कैपेबिलिटीज़ देखें, यानी कि इसकी AI कैपेबिलिटीज़ भी हर कंप्यूटर की होती है कि ये कितने AI प्रोग्राम्स रन कर सकता है, क्योंकि AI हर चीज़ का हिस्सा बन रही है फ्यूचर में। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को यह ख्याल आया कि भाई ऐसा भी एक प्रोसेसिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि फास्ट AI टास्क को हैंडल करे। इसकी AI परफॉर्मेंस है 440,000 टेराफ्लॉप्स। अब ये जो टेराफ्लॉप्स है ये एक्चुअली एक मेजरमेंट का यूनिट है। अगर मैं आपको सबसे हाईएस्ट जो AI कंप्यूटर्स हैं जो एप्पल की तरफ से आते हैं उसके बारे में बताऊं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मैक्सिमम 16 टेराफ्लॉप्स तक जाती है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये 440,000 टेराफ्लॉप्स तक जा सकता है। तो ये है इसकी कैपेबिलिटीज़। अब एक बात मैं भी सोचता था, आप भी सोचेंगे भाई अगर एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें तो सारे वायरसेस को क्यों नहीं ख़त्म कर देता, हमें क्यों बार बार अपडेट करना पड़ता है, और हर जगह जहाँ भी सेफ्टी मेजर्स देखो तो उसके अंदर लिखा होता है कीप अपडेटिंग योर एंटीवायरस सिस्टम। अब इसके अंदर क्या लॉजिक है? इसके अंदर लॉजिक ये है कि हर रोज़ तकरीबन 30 करोड़ नए वायरसेस डिस्कवर होते हैं। अब आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल करके अगर आप बैठे हैं और सोच लें कि सारे वायरस से छुटकारा पा लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप एक्चुअली लिटरली इम्पॉसिबल है हर वायरस से छुटकारा पाना और हर वायरस से बच के रहना। तो इसलिए जो डिवेलपर्स पूरी कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट एंटीवायरस सिस्टम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस आप बच सकें। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।